हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बतानी थी, और वो ये थी कि मेरा एक दोस्त था, उसकी एक बंदी का नाम आयशा था। और उसने एक दिन अपनी बंदी को मैसेज किया, आई लव यू आयशा। और उसके बाद उसके बाप ने कहीं, मतलब लड़की के बाप ने कहीं देख लिया कि मैसेज आया हुआ आई लव यू आयशा का, तो उसने रिप्लाई किया मैं उसका बाप बात कर रहा हूँ। तो ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा ना बेसिक यू टर्न करना सीखा, और वो बेसिक यू टर्न ये था कि उसने लिखा आई लव यू आयशा, उसके बाप ने लिखा कि मैं उसका बाप बात करूं, और फिर नीचे से वो बेचारा इतना घबरा गया कि उसने रिप्लाई किया कि आइंदा तुम्हें कोई भी ऐसा बोले तो याद रखना, अपने बाप को बताने से पहले तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम पहले उसको बताओ कोई तुम्हें कोई इस तरह की बातें कर रहा और तुम्हारे साथ फ्लर्ट ज़िंदगी में मैंने कभी इतना बड़ा यू टर्न कभी भी नहीं देखा था। लेकिन जब मैंने ये वाला यू टर्न देखा तो मेरे ना मुझे ऐसा लगा कि मेरा ना ज़िंदगी में विश्वास ख़त्म हो गया। ज़िंदगी में जो यकीन था ना मेरा, वो यकीन रहा नहीं मेरा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। यही मैं होता तो मैं कहता हाँ तुम्हारा भाई जिंदा है, मैं भी यही कहता। ये ज़रूरी होता है, ह्यूमन नेचर में आपको यू टर्न मारना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं उसको समझा रहा था कि यार ये तूने क्या किया है, क्या पता यही तेरा चांस होता। कहता यार उसके बाप ने देख लिया, मैं क्या करूँ। मैंने कहा बात तो तेरी सही है, उसके बाप ने देख लिया, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है। फिर वो मुझे कराची वाली एक मीम याद आ गई, उसमें ये था कि ना लड़की घर वाले को बता देती है कि मेरा ऐसे ऐसे रिलेशन है लड़के के साथ, तो उसका बाप और उसकी माँ लड़की की वो ना कॉल करती है, उसके बाप से पूछती है कि मतलब उसका बाप लड़के से पूछता है तुम क्या करते हो, तो कहते कुछ नहीं अंकल, मैं तो भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो अभी स्टडीज़ कर रहा हूँ। कराची का था वो, कहता मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ अभी मैं। तो बाप उसको कहता है कि कितना कमा लेते हो, कहता अंकल अभी तो बताया मैं स्टडीज़ करता हूँ। तो कहते नहीं तुम स्टडीज़ कर रहे हो, तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं। फिर बाद में दो तीन गालियाँ देता उसका बाप ना पीछे से शुरू करता, पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आती है लड़की की, ये आजकल के लड़के लड़कियाँ हमारी लड़की को ख़राब कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही, ये लोग ये करते रहते हैं, बताओ इनके माँ बाप को। अंकल गालियाँ देने शुरू हो जाते हैं, साथ साथ अंकल और हाइप अप हो जाता है, उसकी बीवी उसको मोटिवेट कर रही होती है अंकल और हाइप अप होता है, और वो बेचारा लड़के को सुनाने लग जाते हैं। लड़कों की कोई ज़िंदगी नहीं है, लड़के यू टर्न मारने हैं ज़िंदगी में।